हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ आज दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के एक और बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जो कि है धर्मस्थला। तो यहाँ पर है श्री मंजुनाथ स्वामी टेम्पल, उसी का दर्शन आपको कराऊंगी और उसके बारे में और भी जानकारी दूंगी। तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था बैंगलोर से और यहाँ की दूरी है बाय रोड करीब 7 घंटे की दूरी है और रास्ते में है चारमाड़ी घाट। वहाँ का मज़ा लेते हुए हम पहुँचे धर्मस्थला। तो चलिए एक बार आपको चारमाड़ी घाट भी दिखा देते हैं। तो हम हैं चारमाड़ी घाट में और ये चारमाड़ी घाट की सुंदरता को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, पूरा घाट कितना सुंदर नज़र आ रहा है और बीच बीच में इस तरह के झरने भी हैं, वाटरफॉल्स भी है, थोड़ा बहुत पानी गिर रहा है तो हम वही एंजॉय कर ले रहे हैं रास्ते में रुक करके। तो रास्ते में इस तरह से रुक करके आपको चाय और आइसक्रीम के भी शॉप नज़र आएंगे, आगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं हम और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जस्ट सी कहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप इसी तरह से चारमाड़ी घाट का मज़ा ले सकते हैं, रुक रुक के चल सकते हैं और सुंदर सुंदर घाटियों और वादियों का मज़ा लेते हुए चलें। और अगर आप मॉनसून में इधर आते हैं ना, तो मॉनसून जो है इसके लिए बेस्ट है। मॉनसून में तो आपको आना ही चाहिए और मॉनसून में इतना मज़ा आता है यहाँ पर आपको क्रॉस करके आपको देखने में। और आप देखिए, और लेकिन केयरफुल आपको रहना पड़ेगा कि कुछ कुछ मंकीज भी हैं। देखिए इधर बंदर भी है, इधर दिखा सकते हैं आप, तो उधर बंदर भी है। जानवरों को कुछ खिलाए नहीं, 100% जानवरों को कुछ खिलाए नहीं, और नहीं तो वो ना झपटने लगते हैं किसी भी चीज़ के लिए और किसी भी चीज़ों को, तो वो बचाने के लिए हमें खिलाना नहीं है किसी कुछ भी बंदरों को। और सी ऊपर देखिए, उस पहाड़ को देखिए, क्या खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, जस्ट टू ऑसम। तो बैंगलोर से धर्मस्थला करीब 300 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रोड्स और नज़ारे बैंगलोर से बहुत सुंदर है, उसे देखते देखते हम आगे बढ़ गए। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है मैंगलोर, जो कि यहाँ धर्मस्थला से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी मैंगलोर में है, जहाँ से फिर धर्मस्थला 75 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से बहुत सारी बसेस और ऑटोज आपको और टैक्सीज यहाँ के लिए मिल जाएंगी। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो KSRTC बसेस से आप कर्नाटका से के किसी भी क्षेत्र से आप यहाँ बड़े आराम से आ सकते हैं, टैक्सीज भी हायर कर सकते हैं। तो धर्मस्थला में ऐसे बहुत सारे छोटे और बड़े होटल्स हैं जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। धर्मशाला भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर और मैं आपको आगे कुछ धर्मशाला भी दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा स्टे और सुकून भरा स्टे आपको धर्मस्थला में मिल सकता है। तो हम यहाँ रुके थे होटल ओशन पर्ल में और ये भी यहाँ पे भी एक अच्छा स्टे था। तो हम बैंगलोर से यहाँ पहुँच गए थे करीब 7 घंटे में। बहुत ही अच्छा ट्रैवल रहा, बहुत ही खाने पीने की बहुत अच्छी जगह है। रास्ते में भी बैंगलोर से जब आप यहाँ आते हैं तो बहुत और सुहाना सफ़र तो था ही, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। दूसरे दिन हम निकल पड़े मंजुनाथ स्वामी टेम्पल के लिए और उसके पहले गए नेत्रावती रिवर, जहाँ पे एक टिप लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। निकल चुके हैं आज नेत्रावती नदी पे और वहाँ लोग नहाते भी हैं, स्नान करते हैं वहाँ पे, उसके बाद दर्शन करते हैं मंजुनाथ स्वामी का। तो पहले हम लोग जाकर वहाँ ज़रा जल छिड़क लेंगे और उसके बाद जाएंगे दर्शन करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं नेत्रावती नदी और आपको दिखाएंगे यहाँ पे और क्या क्या। ये देखिए पार्किंग स्पेस तो बहुत ही अच्छी है और एम्पल पार्किंग स्पेस है। श्रद्धालुओं का यह मानना है कि यहाँ पे एक बार होली डिप ले लिया जाए और उसके बाद मंजुनाथ स्वामी का दर्शन किया जाए। तो ये है स्नान घाट और यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं। इट्स नाइस इन द सेंस कि चेंजिंग रूम्स भी है यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चेंजिंग रूम्स भी है यहाँ पे, ये सब चेंजिंग रूम्स है। तो
नेत्रवती नदी जो है वो धर्मस्थला से होकर बहती है और इसे भारत के पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। ये पहले जाकर मिलती है कुमारधारा नदी में और उसके बाद मैंगलोर शहर के दक्षिण में अरब सागर में ये मिल जाती है। यह नदी बंतवाल और मैंगलोर के पानी का मुख्य स्रोत है। तो इस नदी को एक बहुत ही पवित्र नदी माना गया है और लोग यहाँ पर पहले स्नान करते हैं और उसके बाद ही धर्मस्थला जाते हैं दर्शन करने के लिए मंजूनाथ स्वामी टेंपल का। तो हमने भी यहाँ पर छिड़क लिया पानी इस होली पानी को और उसके बाद चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वो देखिए, वो डैम नज़र आ रहा है दूर में और इस तरह से एक झलक आप नेत्रवती नदी का देख लीजिए। और इस नदी का दर्शन करते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ गए मंजूनाथ स्वामी टेंपल के लिए। चलिए आपको अब आगे दिखाते हैं, चलिए आगे चलते हैं और हम पहुंच गए धर्मस्थला श्री मंजूनाथ स्वामी टेंपल में। ये देखिए एंट्रेंस बना हुआ है कुछ इस तरीके से मंदिर में और दर्शन करने मंजूनाथ स्वामी जी का। तो आइए आपको दिखाते हैं, ये है गेट, धर्मस्थला गेट और उसके बाद ये पूरा आप देखिए यहाँ से पूरा एरिया, कितनी भीड़ है आज। आज संडे है और काफी भीड़ है, देखते हैं कितने देर में दर्शन होता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय हो। तो चलिए गेट से हम अंदर आ गए हैं और लोग बहुत हैं आज, ये देखिए। तो ये देखिए, ये जो सारा आपको दिख रहा है ये सारे धर्मशाला हैं। आप चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं और बुकिंग ऑनलाइन भी होती है यहाँ पे। आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं। पंक्ति एक दुकान की है जिसमें सारे गिफ्ट आइटम्स बिक रहे हैं और आप यहाँ से कुछ खरीद के ले जा सकते हैं भी किसी के लिए गिफ्ट वगैरह। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और चप्पल रख देते हैं। यहाँ पे एक चप्पल स्टैंड है जहाँ पे बहुत भीड़ है। मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी आप वीकेंड्स में कोशिश कीजिए कि ना आए, क्योंकि वीकेंड्स में भीड़ बहुत होती है। कहीं भी किसी भी टेंपल में जाइए और या कहीं भी दर्शनीय स्थल भी जाइए तो वीकेंड्स में बहुत भीड़ है। यहाँ चप्पल रख के हम चले गए क्यू में। फाइनली हो गए हैं आधा घंटा क्यू में खड़े खड़े और हम वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू किए ऑलमोस्ट। तो किसी ने बोला है यहाँ पे करीब 5 बज जाएंगे दर्शन के लिए, बट आई डोंट थिंक सो, लेट्स सी मंजूनाथ स्वामी की देखते हैं क्या इच्छा है, उस हिसाब से हम दर्शन करेंगे। मुझे लगता है 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पहुँच गए थे 10 बजे और आधे घंटे से वहीं खड़े हैं जहाँ पे हम शुरू किए थे, जहाँ से वो दिखे, वो जो दूर है ना वहाँ तक हमें जाना है और उसके आगे भी जाना है। मतलब अभी फर्स्ट हमें वही दिख रहा है तो वहाँ तक जाना है मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो चलिए देखिए, भीड़ लोग बैठे हैं और ये देखिए, अब वो जहाँ दिखाया था मैंने वहाँ पहुँच गए। वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे। तो ये देखिए, यहाँ पे वाटर कूलर भी लगा है, मतलब पानी के लिए भी व्यवस्था है और बिस्किट्स भी बिक रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी बिकते हैं, आप खरीद सकते हैं और आइसक्रीम वगैरह खरीद करके आराम से लाइन से में जा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने टिकट भी लिया है, ये 200 रुपये पर हेड है इस दर्शन के लिए। हमने टिकट भी लिए है, सोचा कि कुछ जल्दी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हम पहुंचे थे यहाँ 10 बजे तो लोग कह रहे हैं कि 4 या 5 तो बज जाएंगे। लेकिन देखिए मंजूनाथ स्वामी की क्या इच्छा है, मुझे तो लगता है मैक्सिमम 2 बजे तक हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक हम दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ मंदिर भगवान शिव के अवतार श्री मंजूनाथेश्वर अन्नप्पा स्वामी को समर्पित है। कर्नाटक शहर में स्थित धर्मस्थला मंदिर एक सुंदर, अद्भुत, चमत्कारी मंदिर है, जिस मंदिर से भारत के लोगों की आस्था जुड़ी है, जिस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, धर्मस्थला मंदिर की सुंदरता को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के अंदर स्वर्ण की बनी हुई शिवलिंग है।
तो फाइनली हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अभी दर्शन हो गए और हम यहाँ आए थे 10 बजे, 10 मिनट्स टू 3, ऑलमोस्ट 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद हम दर्शन करके मंजुनाथ स्वामी का बाहर आ रहे हैं। सो जस्ट एन एडवाइस कि आप संडे को मत आइए, अगर आपके पास वक्त है और दिन, तो और दिन आइए। संडे इज रियल रश एंड मोर ओवर अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, हॉलीडेज है। तो इस तरह से होटल से निकलकर टोटल हमें लग गए यहाँ तक दर्शन करके बाहर आने में 6 घंटे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं मिलूंगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।